दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ढालपुर कुल्लू। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अब मांगों को लेकर मुखर हो गया है। बैठक के उपरांत परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार पराशर ने कहा कि परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व परिवहन मंत्री से मिल रहा है, परंतु अभी तक जयराम सरकार मंच की मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की जयराम सरकार से मांग है कि एचआरटीसी कर्मचारियों को दूसरे विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भांति पहली तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाए तथा रुके भत्ते जल्द दिए जाएं। 19 फरवरी तक अगर जयराम सरकार परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती है तो मंच शिमला में विधानसभा का घेराव करेगा। जो भी सरकार हम लोगों के वित्तीय लाभों का भुगतान करती है उसको समय रहते हम लोगों को दिया जाए, अन्यथा हम लोग बहुत जल्दी, अभी हमारी चर्चा हुई, आज की बैठक में भी हुई, प्रदेश कार्य प्रदेश की संचालन समिति ने निर्णय लिया हुआ है कि 19 तारीख को बिलासपुर में कार्य समिति बुलाई गई है और उस कार्य समिति में हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा और उस कार्य समिति में हम लोग एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। उसमें जो इस सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा उसमें हम सरकार का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो सरकार हमें 19 तारीख से पहले पहले वार्ता के लिए बुलाए और हमारी वित्तीय लाभों की समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा हम लोग मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया, सरकार को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों है। इसके लिए मैं मुख्य रूप से परिवहन मंत्री को ही दोषी ठहराऊंगा कि सरकार में हमने भी बहुत से परिवहन मंत्रियों के अधीन काम किया, बहुत से परिवहन मंत्री आए लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब से ये मंत्री विक्रम ठाकुर जी आए हुए हैं तब से परिवहन का इतनी दशा और दुर्दशा हो गई है कि हम कह नहीं सकते। इससे पहले गोविंद ठाकुर जी हमारे परिवहन मंत्री रहे, उनसे हम लोगों ने वार्ता की, मिले स्पेस में, पर उन्होंने हमारी बात को सुना और इस समस्या का समाधान भी की ओर बढ़ रहे थे लेकिन जैसे ही समस्या का समाधान उन्होंने डीए कैरियर की 2 किस्तों में मुझसे बात की थी कि आपको मैं अपने मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हाँ वो उनको बदल दिया गया और ये ऐसे मंत्री हमें मिले, इनको तो परिवहन की ABC का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो इसमें हम मुख्यमंत्री से ही निवेदन करेंगे कि परिवहन में कार्यरत और सेवन कर्मचारियों की जो लंबित पड़े वित्तीय लाभों की तरफ आप ध्यान दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमारा जो अगला लाइन ऑफ एक्शन होगा वो हम शिमला में विधानसभा का घेराव करके बताएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन एसोसिएशन विद नालंदा करियर इंस्टीट्यूट इनवाइट्स यू टू एक्सपीरियंस द मोस्ट एफिशिएंट टीचिंग बाय जॉइनिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन नीट, JEE एंड NDA। दिल्ली और कोटा के बेहतरीन अनुभवी टीचर्स और IITMs की ये एसोसिएशन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। वी ऑल्सो ऑफर फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 8th, 9th and 10th। भारत भारती प्री नर्सरी टू 10+2 इन एसोसिएशन विद नालंदा। कॉन्टैक्ट अस 9816136900 7018311044।